दैट डेथ इज मोस्ट डिस्क्रेडिटेबल विच इज कॉज बाई नेग्लिजेंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन डेथ कॉज बाई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। तो दोस्तों, जजमेंट से पहले हमें जरूर ये जानने की जरूरत है कि भाई ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट होता क्या है और कहीं इसका प्रोविजन दिया है या नहीं हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो दोस्तों, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 304A डिफाइन करता है डेथ कॉज बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। तो क्या बोलता है कि किसी भी एक इंसान के एक्ट के द्वारा सामने वाले इंसान की डेथ हो जाती है, और यहाँ एक्ट है ना वो नेग्लिजेंट एक्ट होगा या रैश एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो किसी भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा सामने वाले इंसान की हो जाती है डेथ, तो वो जो इंसान जिसने वो एक्ट किया रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, वो इंसान पनिशेबल होगा 2 years, अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और दोनों। या तो आपको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या तो आपसे फाइन वसूला जा सकता है, या तो आपको दोनों की सजा मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे केस लॉज की तरफ। तो सबसे पहला केस लॉ कौन सा है? सबसे पहला केस लॉ है चेरुबिन ग्रोगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 AIR 205। अब इस केस में क्या होता है ना दोस्तों, कि दो घर होते हैं, ठीक है, जो आपस में एकदम सटे हुए होते हैं। तो क्या होता है ना, एक घर में एक लेडी रहती है और उसके साथ उनके कुछ फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो उस लेडी के जो वॉशरूम का वॉल होता है ना, वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो कोलैप्स कर जाता है तो वो लेडी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्या करती है, अपने बाजू वाले मतलब जो उसका नेबर है ना, उसके वॉशरूम को यूज करना शुरू कर देती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बाहर का बंदा आएगा तो आप ऑब्जेक्ट कीजिएगा ना, कि आप रैंडमली आपके घर में घुस के कोई आपका वॉशरूम यूज करे तो ऑब्वियसली बात है आप ऑब्जेक्ट कीजिएगा। सेम बिहेवियर उसने भी किया, उसने भी बहुत बार ऑब्जेक्ट किया बट वो सुन ही नहीं रहे। तो उसने क्या किया ना, उसने बेसिकली जो वॉशरूम का पैसेज होता है ना, वॉशरूम का जो पैसेज होता है वहां पे कॉपर वायर ऐसे बिछा दिया, ठीक है, कॉपर वायर बिछा दिया। और क्या किया, उस कॉपर वायर में उसने उस कॉपर वायर को उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दी, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसको कनेक्ट कर दिया अपने घर के इलेक्ट्रिक मेन लाइन से, ठीक है। अब क्या हुआ, लेडी आई वो, ठीक है, वो आई तो जाते वक्त तो उसने उसको डॉच कर दिया उस कॉपर वायर को, ठीक है। लेकिन जब वो आ रही थी ना, तो उसकी गलती से फिंगर्स टच हो गए उस कॉपर वायर से। तो उस कॉपर वायर से जैसे फिंगर्स टच हुए वैसे उसको शॉक लगा और वहीं के वहीं उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब ये केस सबसे पहले कहाँ गया, सेशन कोर्ट के पास गया। तो सेशन कोर्ट ने भाई उनको उस बंदे को डायरेक्टली कन्विक्ट कर दिया 304A के अंदर, ठीक है। अब जब 304A के अंदर उसको डायरेक्टली ये कर दिया, तो वो बंदा उसने अपील किया कहाँ, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में उसने जब अपील किया तो उसने उसके दो कंटेंशन रखे। पहला बोला कि भाई ये तो मैंने अपना राइट टू डिफेंस यूज किया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो कोर्ट बोलता है कि भाई माना तुमने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज किया है, लेकिन राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी तब यूज हो सकता है जब सामने सेम फोर्स का हो, मतलब एज इन कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो जिससे आपको भी कुछ हार्म हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कुछ हार्म पहुंच रहा है। बट तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि तुम वो बंदा तुम्हारे तुम्हें कुछ डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन तुम उसे ऐसा ऐसे ट्रैप में फंसा दो कि उसकी डेथ हो जाए उससे, ठीक है। फिर वो बोलता है कि भाई मैं तो ओनर हूं अपनी प्रॉपर्टी का, ये तो ट्रेसपासर थी, मेरी तो कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो कोर्ट बोलता है नहीं भाई बिल्कुल नहीं, लायबिलिटी क्यों नहीं बनती, तुम्हारी लायबिलिटी बिल्कुल बनती है। अब क्यों लायबिलिटी बनती है, तो कोर्ट ने इसका एक्सप्लेन किया, बोला कि भाई एक बात बताओ, वो माना कि ट्रेसपासर है बट तुमने इंटेंशनली ही वो जो कॉपर वायर है वो बिछाया था, क्यों बिछाया था, ताकि उस बंद जो औरत है उसको हार्म कर सको। तो ये तुमने जो एक्ट किया यहाँ पे तो तुमने पूरी इंटेंशन के साथ किया ना कि हाँ भाई वो ट्रेसपासर, तुम्हें इस चीज का नॉलेज था कि वो ट्रेसपासर है, बट स्टिल तुमने वो एक्ट किया जिससे कि वो सामने वाले को हार्म पहुंच सके। तो कोर्ट ने सिंपली इसको बोला कि हाँ भाई जो सेशन कोर्ट ने जजमेंट दिया है हम भी उसके साथ हैं और इसको कन्विक्शन मिलेगी किसके अंडर, 304A के अंदर, ठीक। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ की तरफ, और वो कौन सा केस लॉ है, वो है जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2005 SC 3180। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जीवन लाल करके एक आदमी होता है, उसको CMC लुधियाना के प्राइवेट वार्ड में एडमिट किया जाता है। तो 22 फरवरी 11 बजे की बात होती है कि उसको पेशेंट को जीवन लाल को ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके दो बेटे होते हैं जीवन लाल के, एक होता है आपका अशोक कुमार शर्मा और दूसरा होता है आपका विजय शर्मा। तो विजय शर्मा जो होता है ना, वो क्या करता है कि वो जल्दी से नर्सेज और डॉक्टर्स को बुलाता है कि भाई जल्दी आओ, ऐसे पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो 20-25 मिनट हो जाते हैं, नर्सेज तो आ जाते हैं बट कोई डॉक्टर नहीं आता। फिर 20-25 मिनट बाद आते हैं डॉक्टर जेकब मैथ्यू और डॉक्टर एलन जोसेफ।
वो लोग आते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो मास्क होता है ना वो उसको पेशेंट को लगाते हैं, ठीक है। तो फिर भी वो नोटिस करते हैं कि नहीं ब्रीदिंग डिफिकल्टी वो अभी भी बढ़े जा रही है, कुछ ऐसा इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है इसका। तो फिर वो लोग देखते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना वो खत्म रहता है, वो बेसिकली खाली रहता है। तो और वहां पे उस टाइम पे कोई और ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं होता। तो जो इसका बेटा होता है ना विजय शर्मा, ये क्या करता है बाजू वाली रूम से भाग के एक दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आता है। लेकिन इस लाने के दौरान में ना 5 से 7 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, तब तक डॉक्टर पेशेंट को डेड डिक्लेयर कर देता है। अब इसका जो छोटा बेटा होता है अशोक कुमार शर्मा, वो कर देता है FIR दोनों डॉक्टर्स के अगेंस्ट, किसमें कि सेक्शन 304A के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जजमेंट क्या आता है, तो जजमेंट में ना सबसे पहले डॉक्टर से पूछा जाता है कि भाई इनको प्रीवियस कुछ हिस्ट्री था क्या, किस लिए एडमिट हुए। तो बेसिकली पता चलता है कि जो पेशेंट होते हैं ना वो उनको कैंसर होता है और वो लास्ट स्टेज का कैंसर होता है। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप इसको अपने घर पे ही रखिए और उनको प्रॉपर नर्सिंग और केयर कीजिए। तो लेकिन फिर भी पेशेंट्स नहीं मानते और वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट क्या निकलता है, कोर्ट क्या जजमेंट देती है, कोर्ट बोलती है कि भाई यहाँ पे दोनों डॉक्टर्स को लायबल हेल्ड नहीं किया जा सकता नेग्लिजेंस एक्ट पे। क्यों नहीं किया जा सकता, ये अगर यहाँ पे उन्होंने जो वो दोनों थे उनकी कोई गलती नहीं थी कि उस में ऑक्सीजन कम है। हाँ आप चाहे तो सिविल लॉ के अगेन अंदर आप हॉस्पिटल पे क्लेम कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी किसी एक नेग्लिजेंस, हॉस्पिटल पे कर सकते हैं, इन पे नहीं कर सकते कि भाई इनके एक्ट की वजह से उस बंदे की डेथ हुई है। वो बेसिकली जब ऑक्सीजन सिलेंडर है वही खाली है तो उनकी उसमें क्या गलती, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं भाई तुम इनको इस एक्ट के थ्रू अंदर आप लायबल नहीं है, दोनों 304A के अंदर लायबल नहीं है और इनके जो कंटेंशन थे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ की तरफ, और वो कौन सा केस लॉ है, और वो है सुलेमान रहीमन मुलानी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968 AIR 829। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि एक आदमी होता है वो जिसके पास लर्नर्स लाइसेंस होता है और वो एक कहीं जा रहा होता है और उसकी गाड़ी में कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा होता जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है। वो जाते हुए किसी एक आदमी को ठोक देता है, मतलब अपनी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो आदमी बहुत सीवियरली हर्ट होता है, तो वो क्या करता है उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और डॉक्टर के पास रश करता है। अब डॉक्टर के पास रश करता है तो डॉक्टर मना कर देता है, वो हाथ खड़े कर देता है, भाई नहीं ये एक्सीडेंट का केस है, हम नहीं फंसने वाले, आप इनको मेडिकल डिस्पेंसरी ले जाके जाइए। तो वो क्या करता है जो बंदा एक्सीडेंट जिसकी वजह से होता है वो करता है, वो क्या करता है उसको कहीं और ले जाता है। तो कहीं और ले जाने के चक्कर में ना उसकी डेथ हो जाती है, जो दूसरा बंदा होता है जिसको उसने ठोका होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो अब जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ये चीज जाननी होती है कि भाई क्या उस बंदे की डेथ इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ करता है कि किसी ये जो एक्ट था इसके जो नेग्लिजेंट या रैश एक्ट था इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस की वजह से उसकी डेथ हुई है, ठीक है। हाँ ये माना जा सकता है कि इसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हम लोग लायबल ठहरा सकते हैं, लेकिन इस सेक्शन 304A के अंदर इसको हम लोग लायबल नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पे जो इश्यू होता है वो रेज नहीं होता, वो कंटेंशन हट जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और थैंक यू सो मच।